हेलो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तीन क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 4z + 3 = 6 + 2z। तो यहाँ z की टर्म्स हम कलेक्ट करेंगे, पहले इन्हें हाईलाइट कर लिया, फिर 2z को मुझे इधर लेके जाना है तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर क्या बचा हमारे पास, 6 और जमा 3 इसके पास लेके आएंगे, घटा 3। 4z - 2z बचा, 6 - 3 = 3। अब खाली मुझे z चाहिए, 2 गुणा हो रहा है, 2 भाग में चला जाएगा, 3/2 हमारा आंसर। 2x - 1 = 14 - x। तो यहाँ पे इस x को हमें इधर ले जाना है, माइनस एक्स है, इधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा। -1 को इधर लेके आएंगे, 14 + 1 3x = 15 x = 15/3 यानी कि x = 5। 8x + 4 = 3 (x - 1 + 7) तो पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। 3 को x के साथ गुणा किया, 3 को घटा 1 के साथ, सो इट इज़ 8x + 4 (3x - 3 + 7) अब 3x को इसके पास लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, फिर -3 + 7 यहीं बचा और ये वाला 4 माइनस हो गया जाके। 8 में से 3x माइनस करें आपने, 5x, देखिए ये 7 - 7 जीरो हो गया बेटा, इसका मतलब x का आंसर भी जीरो हो गया, 0/5 जीरो आ गया। x = 4/5 × x + 10 तो ये जो नीचे 5/5 है इसका मतलब भाग हो रहा है, तो इसको सबसे पहले इधर ले जाके गुणा कर देंगे, ये बन गया 5x। अब हमारे पास रह गया ऊपर 4, अब 4 इस ब्रैकेट से गुणा हो रहा है तो 4x, फिर 4 × 10 = 40। अब 4x को इसके पास लेके जाएंगे, घटा हो जाएगा, x = 40। 2x / 3 + 1 = 7x / 15 + 3 तो ये x की टर्म है, ये x की टर्म है, पहले तो हम इन्हें एक साइड लेके आएंगे, माइनस हो गया इधर जाके और ये 3 - 1 हो गया। अब बेटा ये आपके पास एक फ्रैक्शन के टर्म्स हैं, आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। 3 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 से ऊपर वाले को गुणा करेंगे, 2x * 5 यहाँ पे 7x ही रहेगा क्योंकि 15 को 15 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 7x को गुणा करा, 7x, अब ये बन गया 10x - 7x। अब ये जो 15 नीचे भाग हो रहा है, सबसे पहले इसे उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, गुणा में बदल जाएगा, है ना, तो 10 में से 7x गए 3x और इधर हो गया 2 × 15 = 30, हमारे पास आ गया x = 30/3 यानी कि x = 10। 2y + 5/3 = 26/3 - y तो -y को आप इधर लेके जाएंगे, 2y + y और 26/3 - 5/3, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम हमारा वही रहेगा 3, ऊपर का सीधा आप प्लस या माइनस कर देंगे, 26/5 ये बन गया 21/3 यानी कि 7, वाई आ गया 7/3। अब तक आप समझ गए होंगे कि जो ये गुणा हो रहा है ये उधर जाके भाग में बदल जाएगा। नेक्स्ट है 3m = 5m - 8/5, तो 5m इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3m - 5m = -8/5, ये वाला माइनस इसके साथ है ना। अब 3 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास -2 बचेगा, m साथ में, माइनस माइनस दोनों जगह से कट जाते हैं, ऐसे में जब दोनों साइड पे माइनस का साइन हो तो हम उसे काट देते हैं। अब m की वैल्यू क्या आएगी, 2 भी बटे में चला जाएगा, 1/2, 2 से 8 को काट दिया 4, फाइनल आंसर इज m = 4/5। दैट्स ऑल बेटा, एक्सरसाइज 2.1 इज़ कम्प्लीट। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए आपके पास कि एक एक स्टेप हमें कैसे सॉल्व करना होता है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।